आइंदा दो दिन मुल्की सियासत में अहम, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खुद भी सरगर्म हो गए। आज और कल अरकाने कौमी असेंबली से मुलाकातों का फैसला, तहफ़ुज़ात दूर किए जाएंगे, फहरिस्तें तैयार। तहरीक अदम एतमाद से पहले जोड़ तोड़ की सियासत जोरों पर, जहांगीर तरीन ग्रुप से हमजा शहबाज का राबता, इब्तदाई मामला तय पा गए, जल्द मुलाकात होगी। FIA का कराची एयरपोर्ट पर एक्शन, लीगी रहनुमा चौधरी तनवीर गिरफ्तार, सरकारी अराजी पर कब्जे, बेनामी जायदादों के मुकदमात हैं, मरियम औरंगजेब की गिरफ्तारी की मजम्मत, कहा गिरफ्तारी तहरीक अदम एतमाद में हुकूमती शिकस्त का सबूत है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। दुनिया भर में कोरोना दम तोड़ने लगा, खाने काबा और रोजे रसूल में पाबंदियां खत्म, रौनकें लौट आई, हरम पाक में नमाज फजर के रूप पर वर मनाजिर, इस साल तमाम मुल्कों से आजमीन को हज की इजाजत होगी। पाकिस्तान में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 1.5% तक आ गई, 24 घंटे में 36,885 टेस्ट किए गए, 571 मुस्बत निकले, पहले से जेरे इलाज 6 मरीज इंतकाल कर गए। और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया दूसरे टेस्ट में कराची में आमने सामने, पुलिस ने ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया, हसन स्क्वायर फ्लाईओवर से नेशनल स्टेडियम तक आम ट्रैफिक को जाने की इजाजत नहीं होगी, स्टेडियम रोड से हसन स्क्वायर आने वाली ट्रैफिक मामूल के मुताबिक चलती रहेगी, दीगर शराहें भी खुली रहेंगी।